वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल DMLT स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर जो आपका लेक्चर है वो किसके ऊपर है, सेकंड प्रोसीजर के ऊपर, यानी फिक्सेशन ऑफ स्पेसिमेन। यानी एक जो स्पेसिमेन है, टिश्यू आपने ह्यूमन बॉडी से रिसीव किया है लैब के अंदर। पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि टिश्यू को जब रिसीव कर लेते हैं फिर क्या करते हैं, उसको फिक्स करते हैं, उसका फिक्सेशन करते हैं। तो उसी के ऊपर क्या है आज का लेक्चर है कि उसको फिक्स किस तरीके से करते हैं और क्यों करते हैं। नेक्स्ट, एक बार आज का लेक्चर शुरू करने से पहले क्या है, पीछे के लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं जो किस चीज के ऊपर था आपका, रिसेप्शन ऑफ स्पेसिमेन के ऊपर। यानी लैब के अंदर सैंपल को जब आप रिसीव करोगे तो उसके अंदर क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। प्रीवियस लेक्चर में आपने क्या देखा था, रिसेप्शन ऑफ स्पेसिमेन यानी किसी सैंपल को रिसीव करना लैब में। तो उसके अंदर क्या था, सबसे पहले था व्हेन रिसीविंग द टिश्यू चेक वेदर द सिग्नेटिव इज इन प्रॉपर अमाउंट और नॉट। मतलब जब क्या है, आप एक टिश्यू को रिसीव करोगे रिसेप्शन पे तो क्या चेक करोगे, वेदर फिक्सेटिव इज इन प्रॉपर अमाउंट और नॉट। मतलब उसके अंदर जो फिक्सेटिव है यानी फिक्सेटिव जो कंटेंट है, जो लिक्विड है, वो उसके अंदर प्रॉपर अमाउंट में है या नहीं है। इफ नॉट देन एड फिक्सेटिव टू द कंटेनर। और अगर उसके अंदर फिक्सेटिव क्या है प्रॉपर अमाउंट में नहीं है तो क्या कर दोगे आप, फिक्सेटिव फ्लूड को उसके अंदर एड कर दोगे कंटेनर में। नेक्स्ट क्या था, द अमाउंट ऑफ फिक्सेटिव शुड बी 20 टाइम्स मोर देन टिश्यू वॉल्यूम। यानी जो फिक्सेटिव का अमाउंट है वो कितना होना चाहिए, द अमाउंट ऑफ फिक्सेटिव शुड बी यानी कितना होना चाहिए, 20 टाइम्स 20 गुना मोर देन टिश्यू वॉल्यूम यानी टिश्यू के आयतन से कितना होना चाहिए, 20 गुना होना चाहिए। नेक्स्ट लाइन में क्या था, पेशेंट शुड हैव ड्यूअली फिल्ड फोरम। यानी पेशेंट के पास क्या चीजें होनी चाहिए कि दो बार भरा हुआ, ड्यूअली मीन्स दो बार भरा हुआ फोरम होना चाहिए। स्पेसिफाइंग मीन्स उसके अंदर क्या क्या चीजें भरी हुई होनी चाहिए, सबसे पहले पेशेंट का नेम, एज, फिर उसकी एज कितनी है, सेक्स यानी मेल है या फीमेल है। नेक्स्ट, हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन नंबर, वार्ड नंबर एंड मोस्ट इंपोर्टेंट यानी सबसे इंपोर्टेंट चीज क्या है उसमें, नेचर ऑफ टिश्यू मस्ट बी स्पेसिफाइड। यानी आपका जो सैंपल रिसीव कर रहे हो वो ह्यूमन के कौन से बॉडी ऑर्गन से लिया गया है, जैसे लीवर से लिया गया, किडनी से लिया गया या लंग से लिया गया, वो चीज उसके अंदर मोस्टली क्या है, स्पेसिफाई की हुई होनी चाहिए। नेक्स्ट आप क्या चेक करोगे, चेक वेदर द स्पेसिमेन इज टू लार्ज देन कंपेरिजन टू द कंटेनर। मतलब अगर आपका जो स्पेसिमेन है, ठीक है, यानी जो पेशेंट स्पेसिमेन लेके आया वो क्या है, कंटेनर के कंपेरिजन में, मतलब जिस कंटेनर में स्पेसिमेन रखा हुआ है उसके कंपेरिजन में क्या है, काफी बड़ा है, दैट कैन कोज डिस्टोरिएशन। मतलब जो क्या कर सकता है, उसकी शेप एंड स्ट्रक्चर या मोर्फोलॉजी में चेंज कर सकता है इन द शेप ऑफ टिश्यू। If it occur, अगर ऐसा होता है, then ask to the patient attender, तब क्या करोगे आप, patient के attender को बोलोगे किस चीज के लिए, to the patient attender to bring sufficient container, यानी एक अच्छा बड़ा container लेके आए जिसके अंदर टिश्यू क्या है आराम से रख सके अपन। Next, if tissue is too large, then call the pathologist who may cut into the specimen. और अगर आपका जो सैंपल है वो क्या है, काफी बड़ा है, ठीक है, कंटेनर में आ ही नहीं रहा, तो आप क्या करोगे, कॉल द पैथोलॉजिस्ट यानी पैथोलॉजिस्ट को मिलाओगे, वो यानी जो मेक कट इनटू द स्पेसिमेन यानी स्पेसिमेन के अंदर क्या कर देगा, कटिंग कर देगा, उसको दो पोर्शन में डिवाइड कर देगा। नेक्स्ट, अगर आप पिक्चर के अंदर देख रहे हो तो क्या है, एक लैब के अंदर सैंपल को रिसीविंग दिखाया गया है जिसके अंदर एक तो क्या है साइड में कंटेनर रखा है जिसके अंदर टिश्यू है, और एक ड्यूअली फिल्ड फॉर्म रखा हुआ है यानी दो बार भरा हुआ फॉर्म रखा गया है। नेक्स्ट आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी अगर आप किसी सैंपल को लैब के अंदर पहचानोगे तो उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से ही पहचानते हो। सबसे पहले क्या है, गिव ए स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन नंबर टू ए टिश्यू सैंपल व्हेन रिसीविंग सैंपल इन लैब। मतलब सबसे पहले क्या करना है, जब आप उसको आप सारी इन्वेस्टिगेशन कर लो कि उसमें फिक्सेटिव प्रॉपर अमाउंट में है या नहीं है, आपके पास फोरम भी आ गया,
क्या दोगे आप उसको? गिव ए स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब एक उसको स्पेशली उसी कंटेनर को, उस सैंपल को क्या दोगे? एक रजिस्ट्रेशन नंबर दोगे टू ए टिश्यू सैंपल व्हेन रिसीविंग सैंपल इन लैब, जब आप उसको लैब में रिसीव करोगे। द रजिस्ट्रेशन नंबर विल रिमेन विद द टिश्यू ड्यूरिंग होल प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है उसको, द रजिस्ट्रेशन नंबर विल रिमेन मीन्स उसके साथ रहता है विद द टिश्यू ड्यूरिंग, यानी टिश्यू के साथ रहता है ड्यूरिंग होल प्रोसीजर, यानी पूरी टिश्यू प्रोसेसिंग के अंदर वो क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर उसके साथ रहता है टिश्यू की इन्वेस्टिगेशन के टाइम। राइट द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑन द पेशेंट रिसिप्ट, और जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपने दिया है उस टिश्यू को, वो क्या है, पेशेंट का जो अटेंडर था उसके रिसिप्ट के ऊपर भी लिख दीजिए, ताकि वो क्या है, रिपोर्ट को कलेक्ट कर सके इजीली। नेक्स्ट क्या है, सैंपल की अनपैकिंग दिखा रहे कि हॉस्पिटल से सैंपल जब आ रहा है उसको अनपैक कैसे करोगे आप, क्या क्या चीजें उसके अंदर देखोगे। एक सैंपल कंटेनर दिखाया गया है, नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, टिश्यू का सैंपल रखा हुआ है। लेवलिंग किस तरीके से करोगे आप, यानी उसको रजिस्ट्रेशन नंबर किस तरीके से दोगे, यानी रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर इमेज यू। ठीक है, नेक्स्ट आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर इमेज, जिसके अंदर क्या दिखाया गया आपको, एक स्पेसिमेन की लेबलिंग दिखाई गई है। सबसे पहले उसके अंदर यूज क्या करते हो आप, यूज प्री प्रिंटेड बार कोड लेबल, यानी क्या है, ऐसे बार कोड यूज करते हो जो पहले से प्रिंट की गई है, जिसके अंदर ऑन स्पेसिमेन कंटेनर ऑन फील्ड डाटा कलेक्शन फॉरम इन लॉग बुक, और क्या क्या है उसके अंदर, स्पेसिमेन कंटेनर के ऊपर चीजें लिखी होती है, जैसे नेम एज या फिर सेक्स, ठीक है, या फिर इन लॉग बुक, और लॉग बुक में भी आप उस टाइम पे लेबलिंग के टाइम पे लिखते हो। नेक्स्ट लाइन में क्या है, लेबल इज स्पेसिमेन विद सब्जेक्ट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब प्रत्येक सैंपल को आप एक यूनिक, यानी प्रत्येक को एक अलग आईडी या आइडेंटिफिकेशन नंबर देके आप लेबलिंग करोगे, यानी नहीं कि एक दूसरे सैंपल को मिक्स कर दोगे। आज का जो आपका टॉपिक है वो क्या है, फिक्सेशन ऑफ स्पेसिमेन, यानी टिश्यू प्रोसेसिंग के अंदर सबसे पहला जो स्टेप था वो तो था रिसेप्शन ऑफ स्पेसिमेन, उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है, फिक्सेशन ऑफ स्पेसिमेन। इसके अंदर क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ फिक्सेशन, सबसे पहले कि फिक्सेशन है क्या उसके बारे में जानते हैं। फिक्सेशन इज ए केमिकल प्रोसेस विच प्रिवेंट द टिश्यू बायोलॉजिकल टिश्यू फ्रॉम डीके एंड ऑटोलाइसिस, मतलब क्या है, फिक्सेशन इज ए केमिकल प्रोसेस, मतलब क्या है, केमिकल के द्वारा या लिक्विड के द्वारा की जाने वाली प्रोसेस है, विच प्रिवेंट यानी जो क्या करती है, बचाव करती है द बायोलॉजिकल टिश्यू, यानी जो आपने टिश्यू सैंपल निकाला है ह्यूमन बॉडी से उसको क्या है, बचाने का काम करती है, फ्रॉम यानी किससे, डीके एंड ऑटोलाइसिस से, यानी सड़न और गलन से, जो आपने बायोलॉजिकल टिश्यू निकाला है ह्यूमन बॉडी से उसको प्रिवेंट करने का काम करती है, बचाने का काम करती है। नेक्स्ट, फिक्सेशन इन्वॉल्व्स हार्डनिंग ऑफ टिश्यू एंड समटाइम्स प्रिवेंट फ्रॉम रैपिड किलिंग। फिक्सेशन क्या करती है, क्या इन्वॉल्व करती है, टिश्यू के अंदर थोड़ी सी हार्डनेस यानी थोड़ी सी हार्डनिंग, एंड सम टाइम प्रिवेंट, और कुछ समय किससे बचाती है टिश्यू को, फ्रॉम रैपिड किलिंग, यानी अचानक उसके अंदर होने वाले जो चेंजेस हैं उनसे क्या करती है, फिक्सेशन क्या करती है, उसको बचाती है, यानी फिक्सेटिव फ्लूइड जो काम में लेते हैं वो क्या करता है, उसकी केमिकली और जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसको क्या है, एज इट इज रखने का काम करता है। नेक्स्ट, फिक्सेटिव एक्ट बाय डिसेबलिंग प्रोटियोलाइटिक एंजाइम एंड फिक्सेटिव मैक प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड म्यूको सब्सटेंस इनसोल्यूबल। फिक्सेटिव एक्ट बाय मतलब फिक्सेटिव फ्लूड जो आप काम में लेते हो वो कैसे काम करता है, एक्ट बाय डिसेबलिंग प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, मतलब प्रोटीन को जो डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम है उनको डिसेबल कर देता है, यानी एक्रिय कर देता है, वो काम नहीं कर पाते। एंड फिक्सेटिव मैक्स जो क्या कर देता है, फिक्सेटिव अगर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम ही नहीं रखेंगे तो क्या होंगे, मैक्स प्रोटीन यानी प्रोटीन है
और न्यूक्लिक एसिड है, म्यूको सब्सटेंस है, वो क्या हो जाएंगी, इनसोल्यूबल यानी अघुलनशील। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर जिस कंडीशन में थे वैसे के वैसे ही बाहर रहेंगे। नेक्स्ट, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए इसको। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या है, फिक्सेशन इज ए केमिकल प्रोसेस विच प्रिवेंट द बायोलॉजिकल टिश्यू फ्रॉम डीके एंड फोटोलाइसिस। मतलब क्या है, फिक्सेशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा आपने जो टिश्यू सैंपल रिसीव किया है उसको क्या है, आप सड़न एंड गलन से बचा सकते हो, यानी उसके अंदर होने वाले जो चेंजेस हैं, परिवर्तन है बाहर के एनवायरनमेंट में, यानी बैक्टीरिया का या फिर वायरस का कोई इन्फेक्शन हो गया उसके अंदर, उससे प्रिवेंट कर सकते हो। किसके द्वारा, फिक्सेशन के द्वारा। फिक्सेशन इन्वॉल्व हार्डनिंग ऑफ टिश्यू एंड सम टाइम प्रिवेंट फ्रॉम रैपिड किलिंग। फिक्सेशन क्या करता है, थोड़ा सा क्या कर देता है, टिश्यू को हार्ड कर देता है, मतलब उसकी मॉर्फोलॉजी को चेंज नहीं होने देता। एंड सम टाइम प्रिवेंट फ्रॉम रैपिड किलिंग, और कई बार क्या है उसके अंदर अचानक होने वाले जो चेंजेस हैं उसको क्या है बंद कर देता है, यानी रोक देता है। आपको बताया, अगर प्रोटीन या फिर ग्लूकोज या फिर अगर कोई सब्सटेंस कार्बोहाइड्रेट टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होगा तो उसको क्या है, हमारे टिश्यू के अंदर जो सेल है वो डाइजेस्ट कर लेगी, डाइजेस्ट कर लेगी तो उसके अंदर डीके एंड ऑटोलाइसिस शुरू हो जाएगी। तो फिक्सेशन क्या है, उसी को रोकने का काम करता है। फिक्सेटिव एक्ट बाय डिसेबलिंग प्रोटियोलाइटिक एंजाइम एंड फिक्सेटिव मैक प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड म्यूको सब्सटेंस इनसॉल्युबल। फिक्सेटिव किस तरीके से काम करता है कि जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम है यानी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है उनको क्या कर देता है, डिसेबल कर देता है, एक्रिय कर देता है। एंड फिक्सेटिव मैक प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड म्यूको सब्सटेंस इनसॉल्युबल। और जो क्या है प्रोटीन्स हैं या फिर उस टिश्यू के अंदर न्यूक्लिक एसिड है या म्यूको सब्सटेंस है, कार्बोहाइड्रेट है, उनको क्या कर देता है, इनसोल्यूबल यानी अघुलनशील कर देता है। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, फिक्सेटिव रिजल्ट प्रिजर्व ए सैंपल एज क्लोज टू इट्स नेचुरल स्टेट। मतलब क्या है, फिक्सेटिव क्या करता है, फिक्सेटिव का रिजल्ट क्या होता है, प्रिजर्व करता है फिक्सेटिव रिजल्ट, मतलब फिक्सेशन जो प्रोसीजर है उसका रिजल्ट क्या होता है, किस चीज के लिए अपन काम में लेते हैं उसको। प्रिजर्व ए सैंपल यानी जो आपने टिश्यू सैंपल लिया है इन्वेस्टिगेशन के लिए ह्यूमन बॉडी से, उसको प्रिजर्व यानी बचाता है एज क्लोज टू इट्स नेचुरल स्टेट, यानी उसकी जो नेचुरल यानी प्राकृतिक स्टेट यानी जो स्थिति है, जैसी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कंडीशन थी वैसे के वैसे उसको रखने का काम करता है। नेक्स्ट, फिक्सेशन प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड रेजिडिटी टू द टिश्यू सैंपल। फिक्सेशन क्या प्रोवाइड करवाता है, फिक्सेशन प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी अंदर की जो पावर है टिश्यू के अंदर जो सेल्स है उनको क्या है, स्ट्रेंथ देता है यानी ताकत देता है। एंड रेजिडिटी और क्या प्रोवाइड करवाता है उसको, कठोरता टू द टिश्यू सैंपल यानी एक टिश्यू के सैंपल को। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ फिक्सेटिव शुड बी 20 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ टिश्यू। ये चीज आपने पिछले लेक्चर में भी पढ़ी थी, रिसेप्शन के अंदर सेकेंड लाइन यही थी कि वॉल्यूम ऑफ फिक्सेटिव शुड बी 20 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ टिश्यू। कि फिक्सेटिव का जो आयतन है, फिक्सेटिव जो कंटेंट लोगे उसकी वॉल्यूम यानी उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, 20 गुना होनी चाहिए, किससे, टिश्यू सैंपल के आयतन से। नेक्स्ट, लार्ज द साइज ऑफ सैंपल टिश्यू मोर टाइम टेक इट विल बी फिक्स्ड। मतलब क्या है कि लार्ज द साइज ऑफ सैंपल यानी अगर ह्यूमन बॉडी से क्या है, टिश्यू का सैंपल आपने क्या है पढ़ा लिया है थोड़ा इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो वो क्या करेगा, मोर टाइम टेक इट विल बी फिक्स्ड यानी उसकी फिक्सेशन की प्रोसीजर कंप्लीट होने में क्या है थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि फिक्सेटिव क्या है, फिक्सेटिव जो कंटेंट है उसको पेनिट्रेशन के अंदर ज्यादा टाइम लेगा। नेक्स्ट, इसके अंदर एक बार शुरू से देखिए, फिक्सेटिव रिजल्ट प्रिजर्व ए सैंपल एज क्लोज टू इट्स नेचुरल स्टेट। मतलब क्या है, फिक्सेशन की प्रोसीजर है उसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है,
जो टिश्यू आपने रिसीव किया है उसको क्या है, जैसा ह्यूमन बॉडी के अंदर था नेचुरल कंडीशन के अंदर वैसा का वैसा रखना। नेक्स्ट, फिक्सेशन प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड रेजिडिटी टू द टिश्यू सैंपल। और फिक्सेशन क्या करता है, क्या प्रोवाइड करता है उसको, मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी उसको ऐसी कंडीशन में रखने के लिए ताकत प्रोवाइड करवाता है। एंड रेजिडिटी टू द टिश्यू सैंपल, रेजिडिटी मीन्स कठोरता, और थोड़ी सी क्या है उसको, कठोरता प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ फिक्सेटिव शुड बी 20 times द वॉल्यूम ऑफ टिश्यू। और क्या है, फिक्सेटिव का जो आयतन है वो कितना होना चाहिए, यानी वॉल्यूम यानी मात्रा कितनी होनी चाहिए, 20 गुना होनी चाहिए टिश्यू के। लार्ज द साइज ऑफ सैंपल टिश्यू मोर टाइम इट विल बी फिक्स्ड। क्या है, अगर आपने क्या है टिश्यू का सैंपल, टिश्यू सैंपल बढ़ा लिया है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो वो क्या है थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा फिक्स होने में। नेक्स्ट, होलो विसरा ऑर्गन्स यानी एलिमेंट्री कैनाल आर ओपन अलोंग एंटी मिजेंट्रिक बॉर्डर। मतलब होलो विसरा ऑर्गन्स कैसे हैं, जैसे एलिमेंट्री कैनाल हो गया, ट्रेकिया हो गया, जो क्या है सीधे खड़े ऑर्गन्स हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन, होलो विसरा ऑर्गन। होलो विसरा ऑर्गन यानी एलिमेंट्री कैनाल आर ओपन अलोंग एंटी मिजेंट्रिक बॉर्डर, यानी उनको क्या है जो पाइप जैसी स्ट्रक्चर है यानी कैनाल है उसको क्या है आप लंबवत उसके अंदर कट लगाते हो, ठीक है, उसको सीधा क्या है काट लेते हो। कैसे ओपन करते हो, ओपन अलोंग एंटी मिजेंट्रिक बॉर्डर, उसकी बॉर्डर है जो उसके लंबवत क्या है उसके अंदर कट लगाते हो। एंड पिंड इन पैराफिन ट्रे, उसको कट लगाने के बाद क्या कर देते हो, उसको पिंड कर देते हो किसके ऊपर, पैराफिन ट्रे के ऊपर। दे आर फिक्स्ड इन दिस स्टेट ओवरनाइट। और इन ऑर्गन की फिक्सेशन की जो प्रोसीजर है वो कितने टाइम में कंप्लीट होती है, एक कंप्लीट नाइट के अंदर यानी पूरी रात के अंदर यानी 12 घंटे के अंदर। नेक्स्ट, लार्जर द ऑर्गन शुड बी कट थिन इनफ सो दैट फिक्सेटिव कैन पेनिट्रेट टिश्यू वेल। यानी आपने जो टिश्यू सैंपल काफी ज्यादा बड़ा ले लिया, लार्जर ऑर्गन शुड बी कट थिन इनफ, मतलब जो सैंपल लिया है उसको क्या है अच्छे तरीके से उसमें क्या है कट लगा लीजिए, यानी पर्याप्त मात्रा में, जिससे क्या है आप उसकी इन्वेस्टिगेशन अच्छे तरीके से कर सकें। एंड सो दैट, और क्या है, फिक्सेटिव कैन बी पेनिट्रेट टिश्यू वेल। और फिक्सेशन की जो प्रोसीजर है, फिक्सेटिव जो कंटेंट है वो क्या है उसको अच्छे तरीके से विभेद सके, यानी उसके अच्छे तरीके से उसके अंदर इंटर हो सके, उसको अच्छे तरीके से एज क्लोज टू नेचुरल स्टेट के अंदर रख सके। नेक्स्ट, 10% फॉर्मेलिन इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड फिक्सेटिव बिकॉज इट इज कंपेटेबल विद मोस्ट ऑफ टेन। और क्या है, 10% जो फॉर्मेलिन है वो क्या है सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है फिक्सेशन की प्रोसीजर में, क्योंकि क्या है कंपेटेबल यानी किसी चीज के साथ मिलना, वो क्या है सभी स्टेन के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है। एक बार शुरू से देखिए, होलो विसरा ऑर्गन आर ओपन अलोंग एंटी मिजेंट्रिक बॉर्डर एंड पिंड ऑन इन पैराफिन ट्रे, दे आर फिक्स्ड इन दिस स्टेट ओवरनाइट। यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर होलो विसरा ऑर्गन है, उनको आप कैसे कट लगाओगे, उनमें उनको आप अलोंग एंटी मिजेंट्रिक बॉर्डर के ओपन करोगे, फिर उनके अंदर पैराफिन ट्रे के अंदर उनके ऊपर पिन लगा दोगे और फिक्स कर दोगे कितनी देर के लिए, फिक्सेटिव फ्लूड में पूरी रात के लिए। नेक्स्ट, लार्जर ऑर्गन शुड बी कट थिन इनफ सो दैट फिक्सेटिव कैन पेनिट्रेट टिश्यू वेल। और जो क्या है लार्जर ऑर्गन है यानी बड़ा ऑर्गन है, उसको क्या है उसके अंदर छोटे छोटे कट लगाओगे ताकि क्या है फिक्सेशन का जो प्रोसीजर है वो अच्छे तरीके से हो सके, यानी जो फिक्सेटिव फ्लूड है वो उसके अच्छे तरीके से उसको पेनिट्रेट कर सके, टिश्यू को प्रिजर्व कर सके नेचुरल कंडीशन के अंदर। 10% फॉर्मेलिन इज द मोस्ट वाइडली यूज फिक्सेटिव बिकॉज इट इज कंपेटेबल विद मोस्ट ऑफ स्टेन। पर 10% जो फॉर्मेलिन है वो क्या है सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है किस चीज के लिए, फिक्सेटिव कंटेंट के रूप में, क्योंकि क्या है वो सभी स्टेन के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है, कंपेटेबल यानी मिल जाता है।
टेक्स्ट क्या है, डायग्राम ऑफ फिक्स टिश्यू। तो आप देख रहे हैं उसके अंदर क्या है, टिश्यू का जो फिक्सेटिव का वॉल्यूम है वो कितना है, टिश्यू के वॉल्यूम के कंपैरिजन में काफी ज्यादा, यानी 20 गुना है। उसके अंदर एक छोटा सा टुकड़ा किसका है, बायोप्सी का है, और ऊपर क्या है उसके अंदर क्या भरा हुआ है, और फिक्सेटिव कंटेंट यानी लिक्विड भरा हुआ है। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ फिक्सेशन, कि अच्छे जो फिक्सेटिव कंटेंट है यानी जो फिक्सेटिव लिक्विड आप काम में लोगे, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए जो क्या है अच्छे फिक्सेटिव की प्रॉपर्टी है। सबसे पहले क्या है, पेनिट्रेशन पावर। इसके अंदर पेनिट्रेशन का मतलब होता है किसी चीज को विभेदना यानी उसके अंदर जाना। ए गुड फिक्सेटिव शुड हैव ए हाई पेनिट्रेशन पावर सो दैट इट फिक्स द टिश्यू कंप्लीटली एंड हैज ए फास्ट रिएक्शन। मतलब क्या है, ए गुड फिक्सेटिव, एक अच्छे फिक्सेटिव कंटेंट शुड हैव ए हाई पेनिट्रेशन पावर, उसकी जो विभेदने की पावर है यानी टिश्यू के अंदर पेनिट्रेशन की जो पावर है, उसके अंदर जो जाने की पावर है वो क्या है, हाई होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, यानी टाइम कम लगना चाहिए। सो दैट इट फिक्स द टिश्यू कंप्लीटली, यानी वो क्या है, टिश्यू को अच्छे तरीके से फिक्स कर सके। एंड हैज ए फास्ट एक्शन, और क्या है, अपना जो काम है उसको जल्दी से जल्दी कर सके। ये नहीं हो कि फिक्सेशन के अंदर आपने जो कंटेंट काम में लिया है वो 3 दिन तो क्या है किसी टिश्यू को फिक्स करने में ही लगा दे, तो आप रिपोर्ट कब रिपोर्टिंग करोगे उसकी। इसीलिए क्या, उसका एक्शन कैसा होना चाहिए, फास्ट रिएक्शन। द पेनिट्रेशन, नेक्स्ट लाइन में क्या है, द पेनिट्रेशन डिपेंड ऑन द मोलिकुलर वेट ऑफ फिक्सेटिव, और जो विभेदने की पावर है यानी पेनिट्रेशन की जो पावर है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, मोलिकुलर वेट पे, यानी उस पार्टिकल का वेट कितना है, किसका, जो फिक्सेटिव आप काम में ले रहे हो, अगर उसका वेट क्या है कम होगा तो वो क्या है, फास्ट एक्शन शो करेगा, अगर ज्यादा होगा तो स्लो एक्शन शो करेगा। तो एक बार दोबारा देखिए, ए गुड फिक्सेटिव शुड हैव ए हाई पेनिट्रेशन पावर सो दैट इट फिक्स द टिश्यू कंप्लीटली एंड हैज ए फास्ट एक्शन, यानी एक अच्छा फिक्सेटिव कंटेंट क्या है, उसकी हाई पेनिट्रेशन पावर होनी चाहिए और फास्ट एक्शन होना चाहिए, यानी टिश्यू को जल्दी से फिक्स करे और कंप्लीटली फिक्स करे। द पेनिट्रेशन डिपेंड ऑन द मोलिकुलर वेट ऑफ फिक्सेटिव, और जो पेनिट्रेशन की पावर है यानी विभेदने की जो क्षमता है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, फिक्सेटिव के मोलिकुलर वेट के ऊपर, और टिश्यू के मोलिकुलर वेट पे भी डिपेंड करती है साथ साथ में। पहली चीज तो थी पेनिट्रेशन ऑफ पावर, दूसरी क्या है, सोल्युबिलिटी ऑफ फिक्सेटिव, यानी जो फिक्सेटिव कंटेंट आप काम में ले रहे हो वो सोल्युबल किन किन चीजों में है। जैसे आप स्टेन काम में लोगे आगे चल के सेक्शन कटिंग के बाद में, अगर वो स्टेनिंग के अंदर सोल्युबल ही नहीं है तो वो क्या है, जो इन्वेस्टिगेशन है उसको डिस्टर्ब करेगा। तो सबसे पहले क्या है, फिक्सेटिव शुड सोल्युबल इन ए स्टेबल सॉल्वेंट so that adequate concentration can be prepared. A fixative should soluble in a stable solvent. यानी fixative है वो क्या है, एक अलग यानी stable condition में solute होता है यानी mix होता है. तो specially so that adequate concentration can be prepared. और इसीलिए क्या है, अलग अलग organ के लिए, अलग अलग tissue के लिए क्या है, fixative की जो concentration है वो क्या है, अलग अलग prepare की जाती है, ठीक है, ब्रेन के लिए अलग की जाती है, जैसे लंग्स के लिए अलग की जाती है, ताकि उनका जो फिक्सेशन है वो अच्छे तरीके से हो सके। नेक्स्ट, रिएक्शन। आइडियली ए फिक्सेटिव शुड बी न्यूट्रल, मतलब क्या है कि मोस्टली रिएक्शन का मतलब है उसका नेचर कैसा, मतलब पीएच कैसी है, एसिडिक है या बेसिक है, अम्ल ये है या क्षारीय है। रिएक्शन में आप देखिए, आइडियली ए फिक्सेटिव शुड बी न्यूट्रल, मतलब कि मोस्टली जो फिक्सेटिव कंटेंट आप काम में लेते हो वो कैसा होता है, उदासीन, सो दैट इट डू नॉट इंटरफेयर विद द स्टेनिंग। इसलिए क्या है कि स्टेनिंग की जो प्रोसीजर है उसके अंदर वो कोई भी इंटरफेयर नहीं करता, मतलब जो स्टेनिंग करते हो आप वो क्या है, टिश्यू की अच्छे तरीके से हो जाती है। कितनी देर में बोलो, मैं
आपने पहले दो देखा, सबसे पहले थी पेनिट्रेशन, दूसरी थी सोल्युबिलिटी ऑफ द फिक्सेटिव, तीसरी चीज क्या है उसकी रिएक्शन यानी उसका नेचर कैसा होना चाहिए एक अच्छे फिक्सेटिव का। तो उसके अंदर आप देखिए रिएक्शन का मतलब है उसका एसिडिक नेचर होना चाहिए या फिर बेसिक नेचर होना चाहिए। तो उसके ऊपर आइडियली ए फिक्सेटिव शुड बी न्यूट्रल, न्यूट्रल का मीन है उदासीन, ना तो वो एसिडिक है ना बेसिक है। आइडियली यानी मोस्टली जो फिक्सेटिव आप काम में लेते हो वो कैसे होते हैं उदासीन, यानी उनके ना तो वो एसिडिक होते ना बेसिक होते, सो दैट इट डू नॉट इंटरफेयर विद द स्टेनिंग। इसीलिए क्या है वो स्टेनिंग की जो प्रोसेसिंग है उसके अंदर कोई भी इंटरफेयर नहीं करते, और क्या है एक टिश्यू की जो इन्वेस्टिगेशन है वो सही तरीके से कंप्लीट हो जाती है। बट प्रैक्टिकली ऑल फिक्सेटिव एसिडिक, और प्रैक्टिकली क्या है सभी फिक्सेटिव है उनका नेचर कैसा होता है एसिडिक होता है यानी थोड़ा सा अम्लीय होता है। दिस नेचर यह जो प्रकृति है उसकी न्यूट्रलाइज बाय किस चीज से उदासीन की जाती है बाय एडिंग एन एल्केलाइन मीडियम। क्या है उसके अंदर एल्केलाइन मीडियम ऐड करके उसको क्या कर दिया जाता है उदासीन कर दिया जाता है यानी न्यूट्रियल न्यूट्रल कर दिया जाता है। थैंक्स टू ऑल। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा वो किस पे होगा टाइप्स ऑफ फिक्सेशन के ऊपर, यानी फिक्सेशन कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।